प्रियंका जी तो मेरे लिए भगवान है, वो तो हमको बहुत सुविधा दिए। कहते हैं एक माँ के दुख को एक माँ ही समझ सकती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक माँ अपने बेटे के लिए दिन रात आंसू बहा रही थी। इस माँ की मदद के लिए खुद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आईं। प्रियंका गांधी ने इस माँ को उसके बिछड़े गूंगे बेटे से मिलवाया। प्रियंका जी तो मेरे लिए भगवान है, वो तो हमको बहुत सुविधा दी। हमारे बेटा को 15 दिन से खिलाई पिलाई, उसको आगे पीछे बाड़ी गाड़ रखी थी, नहीं तो भाग जाता। वो हमको आने में हमारा टिकट कटवाई, पूरी मदद करी आने जाने का, अपना गाड़ी भेज दी, हमारे लिए बहुत सेवा की है, बहुत कुछ हमको कपड़ा लत्ता सब कुछ दिए हैं प्रियंका जी। दरअसल ये महिला वाराणसी में जूस का ठेला लगाकर घर चलाती थी। महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार में बस एक बेटा था, वो भी बोल नहीं सकता था। महिला किसी तरह जूस का ठेला लगाकर जीवन यापन करती थी। राजेश सोनकर 20 दिन पहले अचानक घर से लापता हो गया था। बेटे के लापता होने के बाद बेबस मां की सहायता के लिए उनकी लाचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। कुछ ही वक्त में सोशल मीडिया पर मां की बेबसी का वीडियो वायरल हो गया। घर से निकला भी या ट्रेन में बैठ गया, आता था स्टेशन पर घूमने में आता था और घूम के चला जाता था, तो उस दिन नहीं आया था। बहुत रोते रोते बहुत परेशान हो गए थे, इसको खोजने नहीं मिला, ट्रेन पर बैठ गया था। किसी ने हमको बोला कि तुम्हारा लड़का उधर गया है, तब उससे फिर दोबारा पूछे तो कहा कि उधर गया, तो मैं शाम को खोजने आया नहीं मिला, फिर सुबह गए खोजने नहीं मिला, तो खोज उज के हम परेशान हो गए थे। 2 दिन 3 दिन चूल्हे में आगे नहीं बारे, अब उसके सिवा किसके लिए खाना बनाए, किसके लिए क्या करें। एक तो हम अपना गाड़ा लगाते हैं अकेले, हमारा वो भी बंद हो गया, यही हमारा सहारा है, कोई तो है नहीं। मेरा पति का इस पार हो गए, 3 साल हो गया। ये वीडियो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के ऑफिस तक पहुंचा। वीडियो देख प्रियंका गांधी भावुक हो गईं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस महिला की मदद करने के निर्देश दिए। इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राजस्थान के बूंदी जिले में राजेश मिला। राजेश के हाथ पर उसका नाम और शहर का नाम लिखा था, जिससे उसकी पहचान की जा सकी। पार्टी के पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी प्रियंका गांधी को दी तो उन्होंने फौरन राजस्थान सरकार को राजेश की देखभाल के निर्देश दिए। बेटे की पहचान के लिए प्रियंका गांधी के निर्देश पर पार्टी के खर्च पर राजेश की मां मीता सोनकर को राजस्थान लाया गया। राजस्थान में जब उन्होंने बेटे की पहचान की तो बेटे और मां को कांग्रेस ने उनके घर पहुंचाया। 20 दिन बाद बेटे को देखकर मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी को आशीर्वाद के साथ धन्यवाद भी दिया। बहुत खुशी है, वो तो हमारे लिए भगवान है, समझ लीजिए। हम सब दिन उनका नाम लेंगे, कभी उनको नमक हलाली नहीं करेंगे, वो हमारे लिए भगवान है। कल तक जिस माँ की आंखें नम थीं, आज वो बेहद खुश है। प्रियंका गांधी भले ही सबके लिए एक नेता हैं, लेकिन इस माँ के लिए वो किसी भगवान से कम नहीं है।